हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुदसिर। वेलकम इन डिसिप्लिन टॉक। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेशन विद यूनिट नंबर 2, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड हाइपोथेसिस। लेट्स बिगिन। एग्जांपल से शुरू करते हैं। जब पेंडेमिक पीक पे था तो बहुत सारी रिसर्चेस कैरी आउट की गई ताकि वो वैक्सीन्स इशू कर सके अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19। सो बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने रिसर्चर्स को कैरी आउट किया ताकि वो डिफरेंट वैक्सीन्स टेस्ट आउट कर सके, ताकि वो एक सूटेबल वैक्सीन प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस। सो उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइंस फ्रेम किए वैक्सीन क्रिएट करने में, जो कि सूटेबल थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19। एज़ यू नो दैट, जो रिसर्च है ये कलेक्शन होता है, इसमें हम कलेक्ट करते हैं डाटा को और हम इसमें कलेक्ट करते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़। अगर हम अदर वर्ड्स में कहेंगे, जो रिसर्च है ये बेस्ड अपन होती हैं इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन पे, ताकि एक रिसर्चर उसके बाद सेट आउट करे एक हाइपोथेसिस। सो जो रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन होता है, ये हेल्प करता है रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च की जर्नी को परस्यू करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। जैसे कि एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर फ्रेम करता है डिज़ाइन एक हाउस या बिल्डिंग के लिए, उसी तरह जो रिसर्चर होता है वो एक डिज़ाइन पिक करता है और थ्रू द वेरियस अप्रोचेस, ताकि वो फाइंड आउट करे और अपनी रिसर्च को वो कैरी आउट करे एक रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो इसी तरह जो रिसर्च डिज़ाइन है, इसको रिसर्चर्स फ्रेम करते हैं, जिसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। सो क्या हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स, आइए बात करते हैं। जैसे कि कौन से मेथड से वो एनालाइज़ करेंगे डाटा को और किस मेथड को वो यूज़ करेंगे फॉर एनालाइजेशन ऑफ द डाटा। इसके अलावा कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी वो यूज़ करेगा और कैसे वो एक एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, और क्या प्रोबेबल ऑब्जेक्शंस रहेंगी अगेंस्ट हिज रिसर्च, और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि उसको यूज़ करनी है फॉर द कलेक्शन एनालाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च। इसके अलावा उसको खास ख्याल रखना है कि कैसे वो मेजरमेंट करेगा एनालिसिस को, और कैसे वो क्या उसकी सेटिंग रहेगी उसके रिसर्च के लिए, जैसे कि कहाँ वो कंडक्ट करेगा अपनी रिसर्च को एक्स्ट्रा। अब सवाल आता है यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का। तो क्या है ये रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, आइए समझते हैं। जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है, ये एक स्ट्रेटजी होती है एक रिसर्चर की, कैसे वो अपने रिसर्च आंसर को आंसर कर पाए बाय यूजिंग डाटा जो कि बेस्ड अपॉन होता है मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे। रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करने में वो डिफरेंट डिसीजंस मेक करता है, जैसे कि वो ओवरऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखता है, गोल्स देखता है, एम्स देखता है, और डिफरेंट अप्रोचेस वो यूज़ करता है जो कि वो अपने रिसर्च पर्पस में यूज़ करता है। उसके अलावा उसको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कैसी टाइप ऑफ रिसर्च उसके लिए सूटेबल रहेगी, वेदर ये प्राइमरी होगी और इन द सेकेंडरी फॉर्म में होगी, और उसको ख्याल रखना है कि कौन से सैम्पलिंग मेथड से वो अपने डाटा को कलेक्ट करना चाहता है, और क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके अलावा डिफरेंट मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए उसको सोचना पड़ता है, और उसको डिफरेंट प्रोसीजर्स का ख्याल रखना पड़ता है जो कि वो फॉलो करना चाहता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा का उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक वेल प्लानड रिसर्च डिज़ाइन हेल्प करता है रिसर्चर्स को अपने मेथड्स को इंश्योर करने के लिए,
और अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मैच करने के लिए और राइट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिज डाटा के लिए वो एक वेल प्लानड रिसर्च डिज़ाइन फ्रेम करता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो आंसर प्रोवाइड करता है क्वेश्चंस का बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट और फीजिबल मेथड्स वो यूज़ करता है, ताकि वो आंसर प्रोवाइड करे क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें वो बहुत सारी स्टेजेस फेस करता है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी एम और अप्रोच कंसिडर करता है बिफोर डिज़ाइनिंग द रिसर्च। तो जो रिसर्चर होता है उसको उसके पास एक क्लियर आइडिया होता है और रिसर्च क्वेश्चन होता है जो कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर का एक रिसर्च क्वेश्चन है कि कैसे टीचर्स अडेप्ट कर सकते हैं अपने लेसन्स को फॉर द इफ़ेक्टिव लर्निंग। सो ये जो क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे वेज हैं आंसर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है अपॉन द चॉइसेस ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, जो कि ड्राइव करती हैं एम्स और प्रायोरिटीज़ ऑफ रिसर्च बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द रिसर्च आउटकम, और जिसमें जो रिसर्च होता है उसको क्लियर होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए जो भी उसको रिसर्च में अचीव करना है। हियर यहाँ पे जो फर्स्ट चॉइस है, यहाँ पे रिसर्चर को मतलब ये डिसाइड करना है कि मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच से डाटा कलेक्ट करूँगा। इसमें वो बोथ स्टेप्स भी फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो एक रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करता है, वो चाहे क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, और फिर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करके वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द ओवरऑल शेप ऑफ द रिसर्च। सो इसके बाद वो थर्ड स्टेज में आइडेंटिफाई करता है पॉपुलेशन और सैम्पलिंग मेथड को, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो डिज़ाइन करता है रिसर्च को क्लियरली, और उसका एक डिफाइन फोकस होता है अपनी रिसर्च का, कैसे वो चूज़ करेगा अपने पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स रिसर्च के लिए। इसी तरह जो पॉपुलेशन है, ये एंटायर ग्रुप होता है जो कि रिसर्चर्स जिसपे कंक्लूजन्स ड्रा करना चाहता है, और जो सैंपल है ये स्मॉलर ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, जो कि एक्ट करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिनको यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। और फिर फोर्थ स्टेज में जो रिसर्चर होता है वो चूज़ करता है डाटा कलेक्शन मेथड्स। सो जो डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, ये वेज हैं जिससे हम मेजर और गैदर कर सकते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, जो कि अलाउ करती हैं रिसर्चर को ताकि वो गेन करे फर्स्ट हैंड नॉलेज और कई तरह की इनसाइट्स अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। सो जो रिसर्चर होता है वो खाली एक मेथड या सिवरल मेथड्स यूज़ कर सकता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द डाटा। और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेज में जो रिसर्च प्लान होता है, जो रिसर्चर होता है वो प्लान करता है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स को। सो ये जो कि एक बहुत ही एसेंशियल होता है, कंपोनेंट होता है रिसर्चर के लिए, ताकि वो प्लान करे एग्जैक्टली कैसे उसको जाना है थ्रू यूजिंग द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कैसे उसको कंसिस्टेंट एक्यूरेट और अनबेस्ड रहना है। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है रिसर्चर को। और फिर उसके बाद वो सिक्स्थ स्टेज में रिसर्चर जो होता है वो डिसाइड करता है कि कैसे वो डाटा को एनालिसिस स्ट्रेटजीज तक ले आए। सो ये एक लास्ट स्टेप होता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो डिज़ाइन करता है और रिसर्च प्लानिंग करता है कि कैसे वो एनालाइज करेगा डाटा को। अब तक हमने बात की हाइपोथेसिस, सॉरी अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। क्या हाइपोथेसिस की का क्या नेचर होता है, आइए समझते हैं कि जो हाइपोथेसिस हैं मेनली ये प्रेडिक्शन होती हैं अबाउट जो रिसर्चर फाइंड आउट करना चाहता है। सो इसे हम रिगार्ड करते हैं, ये एक टेंटेटिव आंसर होता है एक रिसर्चर क्वेश्चन के लिए, रिसर्च क्वेश्चन के लिए, जो कि अभी तक एस्टिमेट नहीं लाया गया। फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिसर्चर होते हैं वो राइट डाउन करते हैं सिवरल हाइपोथेसिस, जो कि एड्रेस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्चर रिसर्च क्वेश्चंस को। सो जो हाइपोथेसिस होती हैं ये नॉट ओनली बेस्ड अपॉन होती हैं गेस पे, बट ये बेस्ड अपॉन होती हैं जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज और नॉलेज होती हैं रिसर्चर्स की, जो कि टेस्टेबल प्रोसेस होते हैं, जो कि सपोर्ट और रिजेक्ट करते हैं एक हाइपोथेसिस को थ्रू द वेरियस रिसर्च मेथड्स, जैसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा मेथड के थ्रू। सो
इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स एक रिसर्चर को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो एक अच्छी हाइपोथेसिस डेवलप कर सके। पहला ही स्टेप जो है, एक रिसर्चर को एक क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, आस्क के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछ सकता है या वो राइट डाउन कर सकता है हाइपोथेसिस। वो अपने रिसर्च को हाइपोथेसिस से बिगिन कर सकता है, अपने रिसर्च क्वेश्चन से, जहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना चाहता है, और जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक फोकस्ड और रिसर्चेबल होता है। एग्जाम्पल, क्या स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करें। सो इसी तरह जो सेकंड स्टेप रिसर्चर फॉलो करता है वो प्रिलिमिनरी रिसर्च करता है, उसमें उसको प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी पड़ती है। सो जो रिसर्चर्स होता है उसका एक इनिशियल आंसर होता है, उसके पास एक इनिशियल आंसर होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन कर सके एक रिसर्च क्वेश्चन को, जो कि बेस्ड अपॉन होना चाहिए जो भी ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करता है अबाउट दैट टॉपिक। तो उसके लिए उसको पहले से ही गैदर करनी चाहिए उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि वो लुकआउट करे डिफरेंट प्रीवियस थ्योरी स्टडीज़ जो कि उसको हेल्प करेंगे अपनी रिसर्च फाइंडिंग में। इस स्टेज में जो रिसर्चर होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ताकि वो इंश्योर करे स्टडी जो भी प्रीवियस टॉपिक्स, एग्जिस्टिंग टॉपिक्स या स्टडीज़ हैं उनसे। फिर वो जब थर्ड स्टेप फॉलो करता है, उसमें वो फार्मुलेट करता है अपनी हाइपोथेसिस को, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है उसको अब क्लियर आइडिया हुआ होता है कि किस पे उसको अपनी रिसर्चर की रिसर्च की फाइंड आउटिंग मतलब करनी है। सो वो एक इनिशियल आंसर राइट डाउन करता है अपने क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्चर फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस को, लाइक अगर स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे मोर एंड मोर लेक्चर्स, सो उनका जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स होंगे वो बेटर होंगे, उनका जो एग्ज़ाम स्कोर होगा वो इम्प्रूव होगा। और फिर उसके बाद वो फोर्थ स्टेप फॉलो करता है, उसमें वो रिफाइन करता है अपनी हाइपोथेसिस को। सो जैसे कि जो हाइपोथेसिस है ये स्पेसिफिक होनी चाहिए और टेस्टेबल होनी चाहिए, और जो हाइपोथेसिस होती हैं इसमें जो रिसर्चर होता है उसके पास एक क्लियर डेफिनेशन और उसके पास एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए जो कि रिलेवेंट वेरिएबल्स मतलब होनी चाहिए एक स्पेसिफिक ग्रुप के, जो कि स्टडी मतलब जिस पे हम स्टडी करते हैं, और जो भी हमारी प्रेडिक्टेड आउटकम या एक्सपेरिमेंट से या एनालिसिस से मिलेगा। सो उसके थ्रू वो अपनी जो उसकी डेफिनेशन होगी वो क्लियर होनी चाहिए, और उसके रिगार्डिंग वो मतलब उसमें इंक्लूड करेगा रिलेवेंट वेरिएबल्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप जो कि वो स्टडी करना चाहता है। और उसके बाद फिफ्थ स्टेज में वो फ्रेज करेगा अपनी हाइपोथेसिस को। सो इसमें जो रिसर्चर होता है वो आइडेंटिफाई करेगा बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे मोर एंड मोर लेक्चर्स, सो दे विल इम्प्रूव देयर एग्जाम स्कोर। सो इसके अलावा जो एकेडमिक रिसर्च होती हैं, जिसमें जो हाइपोथेसिस को हम यूज़ किया मतलब करते हैं या रिसर्चेस यूज़ करते हैं, जो कि मेनली बेस्ड अपॉन होती हैं टर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑफ कोरिलेशन, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो डिटरमाइन करता है प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, जिन स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अटेंड किए, उनका जो एग्ज़ाम का स्कोर है या उनका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला। सो इसी तरह जो रिसर्चर होता है इसमें एकेडमिक रिसर्च में वो कंपेयर करता है टू डिफरेंट ग्रुप्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मोर लेक्चर्स अटेंड किए उनका जो एग्ज़ाम स्कोर है वो बेटर हैं देन दोज हु अटेंडेड फ्यू लेक्चर्स ओनली। देन फिर वो सिक्स्थ स्टेप फॉलो करता है, जिसमें वो राइट डाउन करता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती हैं? ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती हैं जहाँ पे कोई भी एसोसिएशन नहीं हमें देखने को मिलती बिटवीन द वेरिएबल्स। सो जो नल हाइपोथेसिस हैं ये एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट और फिक्स्ड स्टेट होती हैं, वाइल जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
होती हैं, ये एक गैस होता है जो कि अल्टरनेटिव होती है एक नल हाइपोथेसिस के। सो जो नल हाइपोथेसिस है इसको हम राइट डाउन करते हैं एज एच ओ, एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम लिखते हैं एज एच वन और एच ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मोर एंड मोर लेक्चर्स अटेंड किए, उनका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला ड्यू टू अटेंडिंग लेक्चर्स। और अगर हम इसी पे एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करें, हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अटेंड किए, सो उनका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिला ऑन देयर फाइनल एग्ज़ाम। सो नल हाइपोथेसिस में हमें क्लियर आइडिया होगा कि अगर हम अटेंड करेंगे लेक्चर्स तो हमारा जो स्कोर होगा वो इम्प्रूव होगा। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अगर हम मतलब इसको डिफाइन करें एज एग्जांपल के साथ, तो हम कहेंगे कि जो हम अटेंड मतलब हमने अटेंड किए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स, लेकिन ये पता नहीं हम ज़्यादा स्कोर कर पाए या कम स्कोर कर पाए, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।